सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस, आज डिस्कस करेंगे कि विड्रोल ब्लीडिंग कितने दिन तक परसिस्ट करती है। अगर आपने कोई हार्मोनल पिल ली है और आपको विड्रोल ब्लीडिंग हो रही है तो कितने दिन तक ये यूजली होती है। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैम चैलेंज, और बिना किसी डिले के आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, जो विड्रोल ब्लीडिंग है ये यूजली 2 से 3 दिन तक ही होती है, ठीक है। अब जो विड्रोल ब्लीडिंग है ये बहुत सारी मेडिसिन को लेने से होती है, लेकिन सामान्यतः जो लोग हैं वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को भी लेते हैं या फिर 21 दिन वाली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को भी लेते हैं। कई हार्मोनल पिल्स होती है जैसे मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन, जिसे आप डेवरी या फिर मैप्रेट एन के नाम से जानते हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट्रॉन के नाम से भी आप जानते हैं, ये भी एक हार्मोनल पिल है। साथ ही कुछ एंटी मलेरियल ड्रग या फिर कोई पेन किलर मेडिसिन, एनाल्जेसिक मेडिसिन जैसे नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग जैसे एसिक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक, ये भी कई बारी कई केसेस में विड्रॉल ब्लीडिंग को कॉज करती है। कई ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जैसे इरिथ्रोमाइसिन, ये भी विड्रॉल ब्लीडिंग को कॉज करती है। एंटी मलेरियल ड्रग जैसे क्लोरोक्वीन, जिसे आप लैरिगो के नाम से जानते हैं, ये भी विड्रॉल ब्लीडिंग को कॉज करती है, ठीक है। तो अगर किसी को विड्रॉल ब्लीडिंग होती है, अब देखिए विड्रॉल ब्लीडिंग को भी ना कई लोग रिबाउंड ब्लीडिंग के नाम से, या फिर फेक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, या फिर हार्मोनल ब्लीडिंग, या फिर ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करें कि जो विड्रॉल ब्लीडिंग है ये कितने दिन तक होती है। तो यूजली तो गाइज देखिए, विड्रॉल ब्लीडिंग ना 2 से 3 दिन तक ही होती है, मैक्सिमम 5 दिन तक होती है। उससे ज़्यादा अगर आपको परसिस्ट कर रही है ना विड्रॉल ब्लीडिंग, तो फिर आपको इस टैबलेट ने रिएक्शन किया है, इस टैबलेट का आपको साइड इफेक्ट हुआ है। तो ऐसी केसेस में आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ठीक है। आपने ब्लीडिंग को स्टॉप होने तक का वेट नहीं करना है, ठीक है। 5 दिन तक वेट कीजिए, अगर बंद हो जाती है ब्लीडिंग तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो फिर आपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। क्योंकि अगर आप स्टिल अपनी सेम पोजीशन पर ही रहते हो और जो विड्रॉल ब्लीडिंग है काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड तक रहती है ना, तो फिर आगे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना वो देखने को मिलती ही मिलती है। तो इतने टाइम पीरियड तक आपने वेट नहीं करना है, ठीक है। अगर फ्लो रेट की बात करें ना, तो विड्रॉल ब्लीडिंग में जो ब्लड का फ्लो रेट है ना, ये आपके पीरियड साइकिल से कम ही होता है, ठीक है। और देखने में ये थोड़ा ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का ही देखने को मिलता है, ठीक है। अब कई केसेस में विड्रॉल ब्लीडिंग ही नहीं होती है, तो वो भी लोग घबरा जाते हैं कि ये जो टैबलेट है ये काम करेगी कि नहीं करेगी। तो गाइस देखिए, अगर आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली है और आपको विड्रॉल ब्लीडिंग नहीं हो रही है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर केसेस में विड्रॉल ब्लीडिंग होगी ऐसा मान के नहीं चलते हैं, ठीक है। हर फीमेल्स की बॉडी अलग तरह से इस पिल्स के अगेंस्ट रिएक्ट करती है, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपने अपने पीरियड्स के आने का वेट करना है, ठीक है। अगर आपके जो पीरियड्स हैं वो 4 से 6 वीक्स तक नहीं आते हैं, तो आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर फिर भी जो टेस्ट है वो नेगेटिव है और पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो आपने नियरेस्ट किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कुछ मेडिसिन होगी जिससे आपके पीरियड्स वापस आ जाएंगे, और कुछ मेडिसिन भी ऐसी दी जाती हैं जिससे आपका जो हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए थे वो भी स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा कि जो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती हैं जैसे अनवांटेड 72 या फिर आई पिल, ये एक स्ट्रॉन्ग हार्मोनल पिल हैं जिनका यूज़ इमरजेंसी की कंडीशन में ही यूज़ करना होता है, ठीक है। जब आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी का रिस्क रहता है, ऐसा नहीं है कि आपने अनप्रोटेक्ट रिलेशन बनाया है और आप ये पिल हर बार दें, ठीक है। कुछ टाइम ऐसा भी है जहां पर आप सेफली बिना किसी प्रोटेक्शन के रिलेशन बना सकते हो। जाने के लिए आप आई के बटन पर वीडियो को देख सकते हैं, उसमें अच्छे से समझाया है कि कौन से टाइम पीरियड पर प्रेगनेंसी होती है और किस टाइम पीरियड पर प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो उस वीडियो को देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन जो टाइम पीरियड पर प्रेगनेंसी होने के रिस्क बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप ने उन टाइम पीरियड पर रिलेशन बनाया है बिना किसी प्रोटेक्शन के, या फिर जो प्रोटेक्शन थी उसमें फेलियर हो गया, ठीक है,
तो फिर आप इस पिल को ले सकते हो। लेकिन स्टिल आपने अपने दिमाग में एक बात को डाल के रखना है कि ये एक हार्मोनल पिल है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। अगर आप इस पिल को एक बार लोगे तो आपके जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के तीन साइकिल थे, तीन पीरियड से वो डिस्टर्ब रहेंगे, इरेगुलरिटी आपको उसमें देखने को मिल सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइज, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।